फ्लैगशिप जैसे फीचर्स मिड रेंज डिवाइस में ये है Realme X। तो करते हैं इस पावर पैक डिवाइस की अनबॉक्सिंग। आप देख रहे हैं BR टेक फिल्म्स। अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। BR टेक फिल्म्स में आपका स्वागत है। ये है Realme X का पोलर वाइट एडिशन, जो कि वाकई में बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप Realme X लेने का सोच रहे हैं। अभी आने वाले समय पे कुछ ही दिनों में स्पाइडरमैन एडिशन भी मार्केट में आने वाला है और आपको अनियन गार्लिक वाला कलर भी मिलने वाला है। फिलहाल में मैं ये पोलर वाइट कलर जो है ये लेके आया हूँ, इसकी करूँगा सबसे पहले अनबॉक्सिंग। तो Realme X की ये है रिटेल यूनिट, लेकिन ये फ्लिपकार्ट से नहीं ली है मैंने, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे इसका पोलर वाइट एडिशन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है जैसे ही सेल स्टार्ट होती है। और वाइट वाला कलर जो है वो वाकई में खास लगता है, ब्लू वाला मुझे इतना पसंद नहीं आया। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। ये रहा इसका रिटेल बॉक्स। तो Realme की वेबसाइट पे भी जो है सेल होती है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको ये वेरिएंट मिल जाए। अब ये रहा बॉक्स, इसको करते हैं ओपन। और बॉक्स के अंदर हमको सबसे पहले मिल जाती है कुछ यूज़र मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन और एक बैक केस, जो कि वाकई में बहुत अच्छा बैक केस है। मैंने जब Realme C2 की अनबॉक्सिंग करी थी उसमें कोई बैक केस नहीं मिला था, यहाँ पे बैक केस जो मिला है ये वाकई में काफ़ी अच्छा है, एक हार्ड बैक केस है। डिवाइस ये रहा। साथ में मिलता है VooC चार्जर जो कि 5 वोल्ट 4 एम्पियर पे काम करता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ में मिल जाती है हमको टाइप सी USB केबल, तो डाटा ट्रांसफ़र भी जो है फास्ट होगा और चार्जिंग भी VooC चार्जर की वजह से फास्ट हमको यहाँ पे मिल जाती है। फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। फ़ोन में पीछे डुअल सेटअप है कैमरे का, और यहाँ पे जो है हमको फ्लैगशिप वाला कैमरा 48 मेगापिक्सल IMX586 सेंसर वाला मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको फटाफट जो है सेटअप कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। AMOLED स्क्रीन मिलती है, पॉपअप कैमरा मिलता है, ये सारे फीचर्स फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। साइड में ये मेटल फ्रेम, इस पे 4 चांद लगा देता है। अगर आप Realme X लेने वाले हैं तो वाइट कलर को ही लीजिएगा, क्योंकि वाइट कलर में जो साइड में मेटल फ्रेम दे रखा है ये एक तरीके से क्रोम फिनिश बहुत सुंदर लगती है। नीचे इसमें हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल, एक प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे मिल जाता है, और कैमरा की बात भी अब करते हैं। अब ये रहा इसका टॉप, जहाँ पॉपअप कैमरा बाहर आता है, इसमें भी साइड में क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है, और ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन जो है हमको मिल जाता है। बाकी इसमें वही पावर अनलॉक बटन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मिल जाता है सिम ट्रे, यहाँ मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा पाएंगे, और पावर लॉक बटन जो है वो गोल्डन कलर में इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसका फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर लेते हैं। इन डिस्प्ले सेंसर होने के बावजूद और डिवाइसेस से ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मिलता है। अब यहाँ पे अगर K20 और K20 Pro की बात करें उससे तो वाकई में इसका सेंसर जो है फास्ट है। ये रहा इसका बैक केस, और फर्स्ट टाइम Realme के फ़ोन के साथ में इतना अच्छा बैक केस मिला है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एक हार्ड बैक केस है, साइड से सिलिकॉन है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, पॉपअप कैमरा। अब क्योंकि यहाँ पे AMOLED स्क्रीन मिल जाती है आपको एक मिड रेंज डिवाइस में, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले बहुत अच्छा मिल जाता है, फुल व्यू डिस्प्ले है। हल्की सी चिन है नीचे फ़ोन में जो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, पूरा ही फ़ोन स्क्रीन से आपको भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पे कोई नॉच नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पॉपअप कैमरा दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे ColorOS 6 पे ये रन करता है, तो यहाँ पे डेडिकेटेड थीम स्टोर भी है। अभी यहाँ पे PUBG की थीम भी है जिसको आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने Realme X डिवाइस में। स्पाइडरमैन एडिशन भी आने वाला है, और मैं स्पाइडरमैन से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो स्पाइडरमैन वाला यहाँ पे सेट किया हुआ है, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। VooC चार्जर की मदद से ये फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला फ़ोन की लुक भी काफ़ी प्रीमियम सी नज़र आती है। 17,000 रुपये के अंदर Realme X एक बहुत अच्छी चॉइस है। 4 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज जो कि काफ़ी होती है इस डिवाइस में आपको मिल जाती है, इसीलिए मैंने इस डिवाइस को लिया है। और अब आजकल पॉपअप कैमरा का फैशन चल रहा है तो हम पीछे क्यों रहें। अब Realme X जब सारी ही चीज़ें दे देता है इतने बजट में, तो K20 पे एक्स्ट्रा 5,000 रुपये खर्चना मुझे सही नहीं लगा। 128 में से 107 GB यहाँ पे अवेलेबल है, और ऑब्वियसली इसमें पहले से बहुत सारा ब्लोटवेयर है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, और अपनी मनपसंद एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं उसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे डिवाइस में जो है हमको जून का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, और यहाँ पे इस डिवाइस में अभी कोई अपडेट भी आई जिसे मैं बाद में चेक करूँगा। ColorOS 6 पे ये रन कर रहा है, Android 9 Pie पे ये बेस्ड है।
मैं जल्दी इसका एक पूरा कैमरा रिव्यू लेके आऊँगा। ये इसका फ्रंट कैमरा इस समय मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी फ्रंट कैमरा की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। जैसे ही आप फ्रंट कैमरा ओपन करते हैं तो फ्रंट कैमरा जल्दी से बाहर आ जाता है। तो मेरे आने वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको इसका एक पूरा कैमरा रिव्यू भी देने वाला हूँ बहुत जल्द। और यहाँ पे मैं आपको इसके कैमरा से रिलेटेड कुछ और चीज़ भी बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होने वाली है। तो फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी अच्छा है, जितने समय मैंने इसको यूज़ किया है तकरीबन 1 से 2 दिन काफ़ी सही चल रहा है ये फ़ोन। मैं इसका फुल रिव्यू भी ज़रूर करूँगा बहुत ही जल्द। तो मैं ऐसे ही ज़बरदस्त गैजेट्स के जो है वीडियोस और रिव्यूज़ लेके आता रहता हूँ। मैं इस Realme X का कैमरा रिव्यू जो है बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। और नए नए गैजेट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कोई सुझाव है तो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।